बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम बनाने लगे हैं खीर, स्पेशल मीठी ईद के लिए खीर तैयार होती है। आज हम खीर तैयार करने लगे हैं। आज शुरू करते हैं कैसे तैयार करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं खीर स्पेशल ईद के लिए। ये देखो मैंने चावल पहले उबाइल करके इसमें शामिल अभी किए हैं। दूध को भी उबाला आएगा। हल्की आँच पर इसको पकने के लिए रखूँगी। तकरीबन 3 से 4 किलो दूध, 1 पाव चावलों की प्याली। इसमें ये मैं इलायची 2 से 3 अदद ऐड करने लगी हूँ। इसको अब हल्की आँच पे मैं पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आराम से। ये खीर हमारी रेडी हो गई। ठीक है, दूध अच्छे से पकने लग गया। ये देखो अब मैंने बिल्कुल धीमी आँच पे इसको, हल्की आँच पे मैंने इसको तैयार करना है। ऐसे कवर करके बस ये चमचा हिलाते रहना है और देखते रहना है ताकि ऊपर तक ना आए दूध। इस वजह ना अभी थोड़ी थोड़ी बिल्कुल ब्राउन होने लगी है, थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगा है। इसका कलर बिल्कुल ब्राउन लेकर आऊँगी मैं खीर का, जैसे खोए का कलर होता है, लाइट ब्राउन कलर। बड़ा अच्छा लगता है खाने में, भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है खोए जैसी। इंशाल्लाह खीर तैयार होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खीर का काफ़ी कलर चेंज हो चुका है। इसको भी मज़ीद पकाऊँगी, थोड़ी इसको तैयार नहीं हुई अभी, अभी बहुत ज़्यादा रहती है पकने में। इसको अच्छे से पकाते हैं तब जाके ये खोए जैसी खीर रेडी होती है। ईद की स्पेशल रेसिपी होती है खीर, सेवइयां, खीर और कस्टर्ड हलवा, सब अपनी अपनी च्वाइस होती है। और मुझे वो खीर बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं चीनी ऐड करने लगी हूँ खीर में। ये गिरी बादाम की गिरी मैंने ऊपर से छिलके उतार के बारीक बारीक कटिंग करके रखी थी। थोड़ी सी और ऐड करूंगी। हमने खीर रेडी कर ली है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की है। तो ट्राई ज़रूर करना, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।